PUBG मोबाइल का एक खतरनाक सा अपडेट। जी हाँ, PUBG में आ गया है एक ब्रांड न्यू अपडेट, जिसके अंदर इन्होंने गेम के अंदर भाई इतने सारी न्यू चीजें ले आई हैं। इन्होंने भाई हमारी US का मतलब नक्शा ही बदल दिया भाई, नक्शा ही पलट दिया भाई हमारे प्यारे से US का। मतलब कहा बताए कैब गैंग, मतलब मैं रियो टीवी पे रोज लाइव स्ट्रीम करता हूँ, तो बाय द वे तुम लोग रोज सुबह 12 बजे आकर के मेरे साथ खेल सकते हो रियो टीवी पे। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, जाओ जाकर फॉलो करो मेरे को रियो टीवी पे, बहुत मजा आता है। वहाँ पे हम कस्टम्स करते, गिव अवे भी शुरू होने वाला वहाँ पे कल से। तो अब हम जा रहे थे जॉर्ज पूल में, एंड भाई इन्होंने तो डासिया का पूरा मतलब यू नो सीन चेंज कर दिया है। एंड भाई मेरे हाथ कतई चुड़ैल टाइप ही कर दिए ना इन्होंने। भाई मैंने अपनी आउटफिट का नाम बर्फीली चुड़ैल क्या रखा, अरे भाई पबजी वालों ने तो सीरियसली ले लिया भाई। अब सही की चुड़ैल बना दिया मेरे को, तो भाई ये क्या हो रहा है। एंड बंदे देखो कितने आ रहे हैं, ओ भाई मारो मुझे मारो, ये कुछ ज़्यादा से बंदे नहीं आ रहे हैं भाई। एंड ये गुलाटी वुलाटी मार के उतर रहा हूँ मैं, अरे पबजी ये गेम है कि मारियो खेल रहा हूँ मैं, पता नहीं यार। एंड गन भी नहीं भाई, गन तो छोड़ो, मैं ऊपर से आज हार्ड कोर मोड खेल रहा हूँ, इसके अंदर तो सब कुछ अपने हाथों से उठाना पड़ता है, यहाँ तक कि बंदूक भी रिलोडेड नहीं होती है भाई। ये क्या चल रहा है भाई पबजे, भाई गन रिलोड करा दो, लैंड मत कराओ, गन रिलोड करा दो कोई। तो तुम्हारे भाई ने ना उतरते गन रिलोड करके एक बंदे को पता नहीं तुक्के से मार मोड़ दिया। एंड फिर मैंने बंदे को देखा, बड़ा लेट लूट रहा था, मैंने कहा अच्छा बेटा रुक जा, मैं थोड़ा लेफ्ट से फ्लाइंग करके तेरे मजे ले लेता हूँ। भाई यार गन अपने आप रीलोड भी नहीं हो रही है, ये क्या मजाक हो रहा है पबजी में भाई साहब, अरे कुछ करा दो। ऊपर से पता है न्यू अपडेट आया नहीं, हैकर पहले आ गए। अरे भाई इसके अंदर एक हैकर भी, हैकर क्या थे वो आखिर तक मरे ही नहीं। तुम देख रहे हो, तुमको अजीब लगेगा बहुत ये गेम। अरे अंकल सॉरी भाई, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ मैं सॉरी। शॉर्ट गन चिपका दी भाई उसने मेरे को, मैं देख रहा हूँ M16 लेके तुम्हारा भाई पूरे स्वैग में घुस रहा है। एंड फिर एक और, अरे भाई मेरे से गलती हो गए भाई। भाई देखो ये क्या चल रहा है भाई पबजी की दुनिया में, ये बंदे आ कहाँ से रहे हैं, ऊपर से फुटस्टेप भी नहीं आ रहे हैं। एक मेरे को लग रहा है मारियो की दुनिया में आ गया हूँ कैब गैंग, ये सारे मॉन्स्टर्स पता नहीं यार। तो मेरे पास अब यार हेल्थ हुल तो थी नहीं, तो मैंने अपने बंदों से भीख मांगी कि दे दो यार, अपने टीममेट के नाम पे दे दो, थोड़ी बहुत हेल्थ दे दो, एमओ दे दो, गोलियां भी ख़त्म कर दी ना तुम्हारे भाई ने मार मार के। एंड इन लोगों ने MK-47 का डैमेज बढ़ाया न्यू अपडेट में, 46 से 48 कर दिया है। एंड M16 का थोड़ा सा रिकॉल बढ़ा, मतलब एक अपडेट में रिकॉल कम करो, अगले अपडेट में रिकॉल ज़्यादा कर दो, यही तो खूबसूरती है पबजी मोबाइल की। नहीं पिछले अपडेट में कम ही क्यों किया था जब बढ़ाना था, नहीं पता नहीं भाई, आई गेस इन्होंने M7 का भी रिकॉल बढ़ाया है। ऐसा कर दो ना, अरे ऐसा कर दो टैंक का गोला कर दो सबको, एक ही गोली में ना आसमान पहुंचा देना रिकॉल। अब मजाक हो रही है पबजी खेल रहे हम, इतना रिकॉल क्यों बढ़ा रहे हो तुम, ये क्या हो रहा है भाई पबजी, व्हाट इज दिस। तो देख रहे हो MK-47 का डैमेज वैसे अच्छा खासा बढ़ गया यार, बेचारे दो दो गोली में साफ हो गए, इनको तो दिन रात सूरज चांद सब कुछ दिख गया होगा एक साथ। कैब किंग अभी चॉकलेट वॉकलेट निकाल लो, आइसक्रीम निकाल लो, मजा आएगा।
मतलब ये मजा इतना ज्यादा बढ़ने वाला है ना, क्योंकि ये हार्ड कोर मोड, एंड हार्ड कोर मोड में गलत सीन होते हैं बहुत। तो नीचे जा जल्दी सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल बनाए, ऑफ कोर्स मेरी बात चली गई, नेवर माइंड। तो नीचे जाकर के सब्सक्राइब कर दो, हमारा कुल 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स का, उससे सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर पर दौड़ नहीं है कैप गैंग हम। तो नीचे जाओ सब्सक्राइब करो यार, देखो भाई इंतजार मत करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, कर दो यार, 100 से ज़्यादा ले लो, कर दो यार, अरे कर दो, अरे हाँ कर दो सब्सक्राइब कर दो। अब मेरे सामने और बंदे थे, ठीक है, तो मेरे को ना एक फिर हुला हो काला सा बंदा भागता हुआ दिखता है। मैं देख रहा हूँ भाई ये नादान परिंदा भागा भागा जा कर रहा है पहले तो, ठीक है। देखो भाई ये पहली बात तो हार्ड कोर मोड है, यहाँ पे ऐसे भागते नहीं ओपन में पागल जैसे, एंड तुम भाग भी रहे हो नशे भी कर रहे हो, पता नहीं भाई ऊपर से और क्या सीन है। एक सामने भी है, एनिमीज अहेड, अब ये बंदा ना मेरी स्क्वाड पे आराम से टीपीपी ले रहा था, मगर से का पता था कि ये टीपीपी कहाँ ले रहा है और इसको मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा दूंगा टीपीपी लेते लेते। एंड इतने में क्या होता है ना कि स्क्वाड का एक बंदा हमारे क्रैकर भैया के कान में पटाखे फोड़ देता है। वो आ रहा, रश कर रहा है, मर गया, वो गया, दो गोली में। भाई कैप गैंग जितने स्वैग से इस बंदे ने पुश किया था ना, उतने ही स्वैग से इसकी क्रेट बना के मैंने इसको लॉबी में भेजा है भाई। मैंने कहा भाई मेरे क्रैकर को फोड़ के मेरा इंतकाम देखोगे, भाई मेरे क्रैकर का पटाखा सा फोड़ दिया इसने, हद हो रही है, ये मजाक हो रहा है, पबजी खेल रहे हैं भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो तुम्हारे भाई ने फिर आराम से हेल्थ हुल्थ मारी, एंड भाई 9 किल हो गए तो उतरते भाई इतने किल हो गए, एंड भाई अच्छा खासा डैमेज भी हो गया था, एंड सर्वर भी मतलब जॉर्ज पुल क्लियर हो गया था। मगर जॉर्ज पुल की लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है कैप गैंग, नो 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 नो, अभी तो जॉर्ज पुल की लड़ाई में बहुत सारे ट्विस्ट एंड एक खतरनाक लड़ाई बची। तो इन लोगों ने पबजी वालों ने डिस्कॉर्ड दीवाने टाइप है कि यार पैन सा दे दिया। मैंने कहा भाई ये पैन तुम हर बार न्यू वैरायटी है क्यों ले आते हो, एक चीज़ बताओ पहले तुम मेरे को, ठीक है, नहीं चिकन डिनर ही तो करना है, ऑमलेट ही तो बनाना है, वो तो किसी भी पैन में बन जाएगा, ये हर बार का क्या न्यू न्यू टाइप के पैन उठा करके ले आते हो, ऊपर से 3 दिन के लिए दे रहे, बताओ ये मजाक में क्या हो रहा है यार, ये 3 दिन का पैन। तो अब ये भाई उसी के अंदर भी इन्होंने ड्रामेबाजी कर दी है, इन्होंने उजी का भी तौर तरीका सब बदल दिया है भाई। उजी में भाई गेस रेड डॉट होलो 2x भी लग सकता है, थोड़े दिनों बाद पता चलेगा 8x लग रहा है उजी में ना, यही लग रहा है मेरे को तो, और कुछ लग नहीं रहा बच्चा पबजी में, अब 8x लगेगा उजी पे, 8x पे 0 recoil स्प्रे मारोगे तुम यहाँ से पहाड़ पे भाई, सामने वाले बंदे की डायरेक्ट क्रेट भाई, ऐसे ही लग रही है मेरे को फीलिंग से तो। बट चलो कोई ना कैप गैंग, अब एक ऐसा सीन होने वाला है, लाइक तुम अभी लाइक कर दो, देखो अगर लाइक नहीं भी करोगे तो अपने आप लाइक कर दोगे अभी तुम, क्योंकि भाई अभी एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई होने वाली, क्योंकि हम पे होने वाला है पुश। एक US में बैठे बैठे आते चार चार बंदे, भाई ये क्या करना चाह रहे, नहीं व्हाट वर यू ट्राइंग टू डू मेरे बेटे, तुम मैं इतना घूमते फिरते भाई लड़ाई करने के लिए, उसके बाद मारा भी नहीं किसी को, हालांकि मेरे को डैमेज दिया, मैंने तो भाई एक बंदा नॉकआउट कर दिया था गाड़ी पर उतरने से पहले ही, मगर यार ये पबजी वालों चलो ये सब तो ठीक है, ये मतलब तुम गुस्से में ज़्यादा ही इधर उधर नहीं निकल गए, ये तुमने US का क्या चोपटा सा निकाल दिया भाई, ये क्या बनाया था तुमने हमारी प्यारी सी US को यार, हमारे शिमला वाली US अब शिमला वाली नहीं रहेगी, ये क्या कर दिया यार इन्होंने, हालांकि स्किन सभी भी पुरानी वाली है, बट जो बेसिक मॉडल है ना US का इन्होंने वो चेंज कर दिया, न्यू अपडेट्स के साथ ये स्किन के साथ भी उसको सिंक्रोनाइज कर देंगे। ये देखो और दो बाबू भैया बैठ के आ रहे थे, ये इन लोगों के बताओ दिमाग में क्या था कैब गैंग, कि ये ना हमारी गाड़ी में ना स्प्रे मारेंगे एंड हमारी गाड़ी फोड़ के 3-3 kill ले लेंगे। मैंने कहा हाँ भाई मेरे ना सर पे या फिर मेरी शक्ल पे ना CHU कुछ लिखा हुआ है शायद से ना,
मतलब यार हद हो रही है यार, मतलब तुम इतने आसानी से। और ये देखो मेरे प्लेयर की हालत, बेचारा यही फटी हुई यूएस लेके पीछे पीछे मजे लेता आ रहा है, एंड तुम्हारा भाई उल्टा इसके मजे ले रहा है, इसको टप 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 आ टप एम फोर के टकरे से मार रहा है। सोचो अगर ये फट जाएगा तो ये तो हो देगा यार। एंड इन लोगों ने पता है कैप गैंग मॉली का भी एनिमेशन चेंज कर दिया, जो कि एक्चुअली बहुत अच्छा दिख रहा है। लाइक एक ढंग की चीज़ बोल सकता हूँ जो इन्होंने करी है, वही मॉली का एनिमेशन जो तुम देखना अभी यहाँ पर। भाई इन्होंने तो मेरे सीने में ही आग लगवा दी भाई पबजी। भाई तुम तो कते डेंजरस होते जा रहे हो दिन पे दिन। ये मौली का इन्होंने एनिमेशन बड़ा कर दिया, एंड स्टार्टिंग में जो वो स्टार्टिंग में जो लिक्विड सा निकल के आता है ना मौली के अंदर से, वो भी बढ़िया लग रहा है। और पबजी ने ये तो बढ़िया कर दिया यार, बता रहा हूँ मैं, इससे अच्छी चीज़ नहीं करी होगी। तो उसके बाद हम निकल लिए अपनी यूएस में, एंड आ गए रोजॉक में। अब रोजॉक के अंदर क्या सीन था ना कि हमको उतरते दिख गए थे बंदे, तो किल की भूख एंड केडी के लालच में तुम्हारा भाई कटे ही अंडा हो गया भाई। अंडा अंडा कहते हैं ना, मतलब ई जी जी वाला अंडा नहीं कह रहा हूँ मैं, अंडा कह रहा हूँ। तो अब यहाँ पर ही अकेला बंदा था, हमको गोली मार मार के बुला रहा था। मैंने कहा अच्छा भाई गोली मार मार के बुलाओगे, अच्छा आ जाओ बाहर फिर। पता नहीं भाई ये बंदा पहले तो हमको लड़ाई करने के लिए बुलाता है, उसके बाद खुद भागने की कोशिश करता है। मतलब इसे पता चल जाता है ना कि भाई गलती हो गई मेरे से, अब तो एल लगने वाले जिंदगी के, अब तो जिंदगी के लंबे लंबे एल लगने वाले हैं भाई। दिन रात होने वाला, सूरज चांद होने वाला, केड़ी कम होने वाली, टायर गिरने वाला, मरने वाली है। एंड एक और चीज़ कैबिंग तुम नोटिस करोगे ना, तो इन्होंने न्यू अपडेट में भाई जो हमारा ब्लड है, ब्लड का कलर भी इन्होंने वापस से डार्क कर दिया यार। यार पबजी यार नहीं यार, ये फोन थोड़ा डार्केश लग रहा है हमको, पुराना वाला ब्राइट ब्राइट सा दे दो। ऊपर से इन्होंने जो न्यू ग्राफिक्स लाए है ना, उसके बाद भाई मेरा पबजी भी अब लैग करने लग गया है यार। मतलब मेरे डिवाइस के अब AUKAT के ऊपर जा रहा है पबजी धीरे धीरे। मेरे पास iPad 2018 का बेसिक वर्जन है, एंड अब पबजी धीरे धीरे भाई इसके ऊपर का जा रहा है। तो मैं अब सोच रहा हूँ जो नया iPad आएगा 2020 वाला, उसको खरीद लेते हैं। क्या बोलते हैं पब्लिक, जब न्यू आएगा फर्स्ट डे ही खरीद लेंगे, क्योंकि यार ये पुराना सा हो गया, 2 साल से खींच रहा हूँ इसे। इसकी बैटरी लाइफ भी आपको ज़्यादा बची नहीं है, 2 घंटे चलता है मुश्किल से। एंड अब तो पबजी ने भी इसके ऊपर यू नो बस कहने शुरू कर दिया है, बोलना कि भाई अब मेरा टाइम आ गया है, पबजी इसमें अब नहीं चलेगा। भाई लैग इतना करते है वो, तो अभी मैं स्मूथ पे खेल रहा हूँ, बैलेंस्ड पे खेलूँगा तो भाई फट कचार हो जानी मेरे आईपैड की, बता रहा हूँ मैं सही में। तो अब क्या हुआ कि हम इन पर पुश करने वाले थे, इतने में मैंने सोचा इसको चाटा सा मार के जाते हैं, मगर ऑफकोर्स तुम्हारे भाई की स्नाइपिंग 2 KD की है। सही में मेरे से स्नाइपिंग नाइपिंग नहीं होती भाई, भाई मेरे से होते ही नहीं भाई, मैं कितनी बिट सर पिट पैट पुट मार लूँ भाई मेरे से होती नहीं होती भाई। सही बताओ मैं इतना घटिया स्नाइपर हूँ ना, इतना घटिया स्नाइपर कि मैं एक बंदा मेरे पे पीक ले रहा होगा ना, उसको भी नहीं चाटा मार पाऊँगा। सही में मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, तुमको मजाक लग रहा है? नहीं भाई नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कैप्टन आई एम नॉट किडिंग। अब एक नॉक करके पुश कर दे। Enemies ahead. अबरू सुन, मैं लेफ्ट जाता हूँ। ऊपर गाड़ी गाड़ी। तुक्का था। दोनों शॉट तुक्के थे, मेरे से नहीं होती है स्नाइपिंग यार, तुक्के में इधर उधर निकल जाती है मेरे स्नाइपर शॉट, नहीं तो तुम्हारे भाई की नहीं है वैसे बस की। एंड कैप भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हारे को ये न्यू अपडेट लगा तो लगा कैसे, तुमको डाइसे की स्किन कैसे लगी, तुमको यूएस की स्किन कैसे लगी। एंड हम रियो टीवी पे गिव अवे भी बहुत जल्दी करने वाले, तुम्हें को फॉलो कर लेना ऑर्डर। एंड फिर तुम्हारे भाई ने भाई पुश कर दिया, हेल्थ हुल तुम्हारी, तुम्हारे भाई ने ना पूरा दिमाग लगाया, बैंडेजेस मारी गाड़ी के अंदर, फिर घुस गया। अबे ओए बैटमैन के सुतेले भाई, ये क्या था, ये हवा में उड़ के क्या तुम स्पाइडरमैन बनने के? भाई देखो यार स्पाइडरमैन बन जाओगे, बैठा रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे कूदम कूदा नहीं होती है भाई, बंदा हवा में कूद रहा है। मैं देख रहा हूँ हाँ भाई, ओह सुपरमैन के सोतेले चाचा, बैटमैन के सोतेले औलाद, ये क्या था, हवा में उड़ कर जू करके कूद रहा है भाई। देखो पता नहीं कैब गैंग क्या करना चाह रहा था, ये कतई स्पाइडरमैन बनना चाह रहा था यार, जो हवा में उतरा ये उड़ के
बेचारा बट नीचे जमीन को नहीं छू पाया, हवा में ही क्रेड बना दी तुम्हारे भाई ने। एंड अब तुम देखना, तुम्हारे भाई के 18 के लोगे, 12 बंदे अलाइव हैं। एंड अब तुम हैक, मतलब ये क्या बोल सकते हो, मेरे को पता नहीं ये ग्लिच है या ये हैक है, ये क्या है पता नहीं। क्योंकि यार भाई 12 बंदे, 12 में से हम तीन हो गए, तो कितने बचे, 9। अब हुआ क्या कि वो 9 बंदे एक्चुअली सर्वर में थे नहीं थे वो पता ही नहीं था। हमने बहुत ढूंढा उन्हें, हमको कोई दिखा ही नहीं बहुत देर तक। अब ढूंढते गए कोई दिखा ही नहीं भाई। तो ये तो भाई नशे कर रहे भाई। ड्राइवर ओए ड्राइवर, तमीज में, अबे ओए ड्राइवर, अबे रिंगा रोसेस पॉकेट फुल ऑफ नूब्स, अपने लॉबी में जाके करना, ध्यान से गाड़ी चला लो बेटा, मार दूंगा पकड़ करके। तो अब क्या, तो पूरा का पूरा राइट से तुम्हारा भाई यार गाड़ी वाड़ी लेके जा रहे थे हम लोग पूरे मजे से। तो हमने सोचा भाई बंदे अपार्टमेंट्स में होंगे, भाई 10 बंदे बहुत होते हैं यार, मतलब 3 हमें तो 7 बंदे बहुत होते हैं, अपार्टमेंट्स में एक ना एक स्क्वाड होनी चाहिए। मगर 6 ना है, बहुत ही लाइक कहते हैं ना विचित्र गेम हो गया था, कहते भूतनाथ वाला गेम, भूतनाथ सही में। क्योंकि भाई 8 में से 3 हमें, बाकी बंदे कहाँ हैं। हमने बहुत ढूंढा भाई, बहुत अंधों की तरह ढूंढा, हैक है क्या है पता नहीं, कैब गैंग हमने पर बहुत ढूंढा। तो भाई यहाँ पर अभी गाड़ी वाड़ी जा रही थी, गाड़ी कह रहा हूँ मैं, वाह प्लेन को एंड ब्रो वेरी गुड। तभी कहते हैं बेटा 5वीं क्लास पास कर लेते तमीज से, गाड़ी बोल दिया मैंने प्लेन को, नेवर माइंड। वो गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ कैब गैंग में। अब एक बंदा जोन से मर गया, चलो अब 9 बंदे बचे, ठीक है तुम बस देखते जाना ये स्कैम क्या था। मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये पबजी में कौन सा हैक है, कौन सा ग्लिच है, कौन सी चीज है ये। ये चीज मेरे साथ कभी हुई नहीं आज से पहले, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो रहा है। एंड भाई बड़ी डेंजरस चीज है जो भी है ये, क्योंकि ये देख रहे हो तुम मेरे सामने अभी 3 मीटअप वाले लड़के हैं, 3+3 की तरह होता है गाइस, 6 होता है। वो 2 बंदे कहाँ हैं, सर्वर में नहीं है, मैप में भी नहीं है। अरे भैया ये क्या हो रहा है पबजी, ये ई स्पोर्ट्स गेम है गाइस, एवरीबॉडी दिस इज ई स्पोर्ट्स रेडी गेम। भैया कैसे वो 2 बंदे गए तो गए का, उनको आसमान खा गए, जमीन निगल गई, कहाँ गए भाई, किसी को नहीं पता कैब गैंग, किसी को नहीं पता। अब ये 3 बंदे थे, मैं इनसे कह रहा था अरे चलो यार पैन फाइट वैन फाइट कर लेते हैं, देखते हैं कौन जीतेगा। मगर यार वो आखिरी बंदे के स्क्वाड का है वो किसी को नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है भाई कैब गैंग कहाँ छुपे हुए हैं, वो कहाँ सांप बने हैं भाई, दिखे नहीं भाई, दिखे नहीं। इतना ढूंढा पता नहीं यार। तो अब इन लोगों को मैंने बड़ी मुश्किल से मनाया कि भाई आओ यार पैन फाइट करके ख़त्म करते हैं भाई, केड़ी वेड़ी से बढ़ाते हैं, मतलब केड़ी तो बढ़ेगी नहीं, हार्डकोर मोड है। तो अब शुरू होने वाली है पैन फाइट वाली कमेंट्री, ट्री 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 ट्री। यार इस बंदे को मनाना बहुत बड़ा, कह रहा था यार मेरी तुम्हारी केड़ी कम हो जाएगी किंग एंड्रू भैया। मैंने कहा भाई हार्डकोर मोड है यार, इसमें कहाँ से केड़ी कम होगी भाई मेरे, इसमें थोड़ी ना केड़ी कम होती है या फिर इसमें कुछ दिक्कत थोड़ी ना, तो इसमें तो मजे होते हैं। तो ये बंदा बड़ी मुश्किल से माना, यार देखो कितना सामान मेरे प्लेयर्स निकाले जा रहे हैं यहाँ पर, जैसे फ्री में बट रहा हो भाई, किसी ने ये लूट लिया जिंदगी भर की लूट हो जाएगी उसकी, मजाक सट के। तो फाइनली बड़ी इनको मनाने के बाद ये लोग मान गए फैन फाइट करने के लिए। एंड फाइनली किंग एंड ब्रू क्या आज भी अपनी आन बान शान अभिमान के लिए फैन फाइट जीत पाएगा, आइए जानते। तो किंग एंड्रू ये पिंक डुपू से लड़ना शुरू करता है यहाँ पर, ये बंदा नाच रहा होता है, किंग एंड्रू ऐसे मिस कर दिया शॉट, बड़े 2 केड़ी के नुबड़े टाइप। मगर पिंक वाला बंदा पे एग्रेसिव हो जाता है, बोलता है मेरे को मारने की जरूरत, बट किंग एंड्रू पहला बॉडी शॉट मार दे, किंग एंड्रू बहुत एग्रेसिव होता है, अब थोड़ा सा पीछे जा रहा है, लग रहा है किंग एंड्रू पैन फाइट जीत सकता है। एक और बॉडी शॉट मारने की कोशिश, एक और बॉडी शॉट मिस, एक और बॉडी शॉट लग चुका है, लग रहा है ये फाइट किंग एंड्रू के हाथ में हो चुकी है। और ये बंदा बहुत ज्यादा पैसिव हो गया है, उसको पता है कि उसकी मौत सामने खड़ी है। किंग एंड्रू बड़े ध्यान से खेलते हुए कि उसको एक शॉट ना लग जाए सामने वाले का, और ये प्यारा सा बॉडी शॉट मिस कर दे यहाँ पे किंग एंड्रू, बहुत इजी चांस था, बट फाइनली बॉडी शॉट मार के किंग एंड्रू ने इसको मार के खत्म कर दिया है। बहुत ही दिमाग से खेला है किंग एंड्रू ने इस फाइट को। अगला बंदा आता हुआ, किंग एंड्रू आपस से लेवल 3 का हेलमेट निकाल चुका है, पैसिव खेलता है, थोड़ा एग्रेशन दिखाता हुआ फॉल बैक करके पट से बॉडी शॉट मार के पहले ही शॉट में बंदे को साफ कर दिया है।
अब ये अदाए दिखाते हुए कौन है भाई तू चुड़ैल? आजा लड़ लेते हैं पबजी में हम लोग, वन वर्सेस वन। क्या किंग एंड्रू जीत पाएगा? पहला बॉडी शॉट मार दिया किंग एंड्रू ने, बहुत ही ध्यान से एक्यूरेट खेलता हुआ, मगर ये क्या किंग एंड्रू को पड़ चुका है बॉडी शॉट। क्या किंग एंड्रू हार जाएगा? मगर नहीं, किंग एंड्रू ने वापस से आज फाइनली 1v3 क्लच पैन फाइट में कर दिया। पता नहीं यार, मैंने इतनी सारी पैन फाइट करी है ना खेल खेल के, मेरी पैन फाइट एक्चुअली में अच्छी हो गई है मजाक चट के, क्योंकि भाई बाकी लोग तो ऐसा प्रैक्टिस नहीं करते, तुम्हारा भाई तो करता ही रहता है हर दूसरे दिन, तो इसलिए मेरी पैन फाइट अच्छी है। वैसे तो मैं 2 KD का नूबी हूँ, ज़्यादा मेरे से एक्सपेक्ट मत करना है कि मैं ज़्यादा अच्छा प्लेयर हूँ। अब वो दो बंदे जो बचे हुए हैं वो कहाँ हैं? नहीं देखो, 5 - 3 = 2 पबजी, ये हिसाब मेरे को सिखाओ थोड़ा, मेरी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है। 33% नंबर लाया था 12वीं में, मैं मजाक कर रहा हूँ, 57 थे शायद से, ज़्यादा तो थे नहीं तब भी। बट तू गए कहाँ? गए कहाँ भाई? अरे भाई मारो मुझे, मारो, ये क्या हो रहा है? हम लोग जोन के से, भाई कैसे, ये कैसा है के भाई? ऐसा स्कैम, ऐसा हैक बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता है। तो हम लोग इधर सेकंड आ गए, ऑफ कोर्स 21 किल्स के साथ। अब पता नहीं बाकी के बंदे कहाँ थे, क्यों थे, दिखे ना भाई कैप गैंग हमें। मगर एनीवेज, अगर तुम लोगों को ये अपडेट पसंद आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ऑफ कोर्स बता देना, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल भी भूलना, नीचे जल्दी से लाइक का बटन है वो अंगूठा वाला उसको दबाना, एंड शेयर करो सभी को भाई, प्यार बांटने से बढ़ता है एंड कैप गैंग बढ़ती है वीडियो शेयर करने से। शेयर करो यार, देखो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, एंड जो भी नोटिफिकेशन आता है उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे को इंस्टाग्राम पे ऑफ कोर्स रीपोस्ट करना, मैं तुम्हारी स्टोरी को रीपोस्ट करूंगा। एंड सब्सक्राइब करो अगर चैनल पर नए हो, हमारा गोल है 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स का, मिलूंगा कल विद अ ब्रांड न्यू वीडियो, तब तक peace out. Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I need all of you to stop what you're doing and listen.